WWE की हिस्ट्री की 10 सबसे इमोशनल मोमेंट्स जो कि हार्ट ब्रेकिंग थी सारे फैंस के लिए, इतनी ज्यादा कि वो उसको देखकर रो दिए थे। कौन सी ये मोमेंट्स है जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और हम जानते हैं कि WWE ने अपनी हिस्ट्री में हमें अपने फैंस को बहुत सारी कमाल की मोमेंट्स दी हैं जो हम देख के बहुत ज़्यादा पागल भी होते हैं और खुश होते हैं क्योंकि हम इस स्पोर्ट को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गाइस इससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी भी मोमेंट्स हैं जो फैंस कभी नहीं देखना चाहते थे, जो कि हम नहीं चाहते कि ऐसा किसी के साथ भी हो। लेकिन जब ये मोमेंट्स हुई थी तो डेफिनेटली हमको रोना आया था और पूरी इंडस्ट्री में सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो अपनी लिस्ट में जाने से पहले मैं फटाफट से बोल दूं गाइस कि आप लोग मुझे कमेंट्स में अपनी सबसे जो आपकी हाईएस्ट रेटेड इमोशनल मोमेंट है जिसको देख के आपको सबसे दुख पहुंचा था वो मुझे आप कमेंट्स में बताएं, मेरे साथ शेयर करें। और जो वीडियो का लाइक गोल है हम फिर से 1500 लाइक्स रखेंगे, आपका सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा तो इतना ही कमाल का कंटेंट मैं आपको देते रहूंगा। नंबर 10 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहां पे आता है व्हेन शॉन माइकल्स रिटायर्ड रिक फ्लेयर एट रेसलमेनिया 24। अब इन दोनों की हम स्टोरी बहुत अच्छे से जानते हैं, रियल लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त थे और इनके रेसलमेनिया 24 के मैच में स्टिपुलेशन थी कि जो भी इसको हारेगा वो WWE से रिटायर हो जाएगा। और शॉन माइकल इस मैच को जीत गए थे गाइस और उनके लास्ट वर्ड्स जो थे इस मैच में वो थे आई लव यू आई एम सॉरी, और उसके बाद वो स्वीट चिन म्यूजिक लगाते हैं रिक फ्लेयर पर और रिक फ्लेयर को रिटायर होना पड़ता है गाइस। तो ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी, फैंस रो रहे थे, घर पे जो लोग देख रहे थे वो रो रहे थे और डेफिनेटली रिक फ्लेयर एक ऐसे आइकॉनिक लेजेंड थे जिनको रिटायर होते हुए कोई देखना नहीं चाहता था। तो जब ये मोमेंट हुई तो ये बहुत ज्यादा इमोशनल थी। नंबर 9 की हम बात करते हैं गाइस, तो ये था जब जेरी लॉलर को मंडे नाइट रॉ के एपिसोड यानी कि लाइव चलते हुए एपिसोड में हार्ट अटैक आ गया था। ये बात है सितंबर 12, 2012 की, जब मंडे नाइट रॉ पे जेरी लॉलर नॉर्मली हर बार की तरह कमेंट्री कर रहे थे गाइस, लेकिन शो पे जो है अचानक से पूरा साइलेंस हो जाता है और जो फैंस थे उनको क्लियरली दिख रहा था अरीना में कि जेरी लॉलर के साथ कोई दिक्कत हो गई है क्योंकि मेडिकल टीम उन पे अटेंड कर रही थी। और उसके बाद माइकल कोल हमें कमेंट्री पर बताते हैं जो कि उस समय पे एक हील कमेंटेटर थे, वो बिल्कुल अपनी सैड टोन के अंदर हमें बताते हैं कि जेरी लॉलर को किसी तरीके का अटैक आ गया है। और उसके बाद गाइस हमें पता लगता है कि 20 मिनट के लिए जेरी लॉलर का हार्ट जो है वो पूरे तरीके से रुक चुका था, उनको इमीडिएटली रेस्ट करा गया था हॉस्पिटल में और गाइस 2 महीने लग गए थे उनको पूरी इस चीज़ से रिकवर होने में, लेकिन वो फॉर्चुनेटली वापस सही सलामत आ गए थे। और अभी भी हम जानते हैं कि लॉलर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उस मोमेंट में जब ये चीज़ हुई थी गाइस तो लोग बिल्कुल पागल हो गए थे, परेशान हो गए थे और समझ नहीं आ रहा था किसी को कि आखिर ये हो क्या गया मंडे नाइट रॉ पे। नंबर 8 की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है कहानी रेसलमेनिया 26 की, जब शॉन माइकल्स को रिटायर कर दिया था द डेड मैन अंडरटेकर ने। अब ये जो स्टोरी लाइन इन दोनों के बीच में हमें देखने को मिली थी वो बेसिकली ये थी कि शॉन माइकल्स अंडरटेकर से ऑब्सेस्ड हैं यानी कि वो अंडरटेकर के बिना रह नहीं सकते हैं। तो रेसलमेनिया 26 में इन दोनों के बीच में मैच हुआ था जिसमें स्टिपुलेशन थी द स्ट्रीक अगेंस्ट करियर ऑफ शॉन माइकल्स, और यहां पे जबकि हमें कमाल का मैच देखने को मिला गाइस, एक ऐसा मैच जिसको बहुत रेट करा जाता है एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेन इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ रेसलमेनिया। और यहां पे अंडरटेकर मैच खत्म होने से पहले शॉन माइकल्स को एक वार्निंग देते हैं, वो कहते हैं स्टे डाउन, और उसके बाद वो टूमस्टोन पाइल ड्राइवर लगा के शॉन माइकल्स को पिन कर देते हैं जिसकी वजह से शॉन माइकल्स यहां पे हार गए और उनको होना पड़ गया था रिटायर। और इस मेनिया के बाद गाइस जो हमें रॉ देखने को मिलती है वहां पे शॉन माइकल्स अपनी रिटायरमेंट स्पीच करते हैं जहां पे वो पूरे तरीके से रो रहे थे, वो हर बंदे को थैंक यू बोलते हैं जिसने भी उनके करियर में उनकी मदद करी है, और अंडरटेकर भी उनकी स्पीच में आते हैं और एक कैमियो प्ले करते हैं जहां पे उनको बेसिकली अपनी हेड से बाउ डाउन करके रिस्पेक्ट देते हैं गाइस। तो ये जो पूरी मोमेंट थी हम जानते हैं कि शॉन माइकल्स कितने कमाल के रेसलर थे, कितनी कमाल की उनकी हिस्ट्री रही थी, तो जब भी वो रिटायर होते जिस दिन भी होते तो वो एक इमोशनल मोमेंट होती और ये चैप्टर जो है उनकी हिस्ट्री में लिखा गया जो कि बहुत इमोशनल चैप्टर था। नंबर 7 की हम बात करें गाइस, तो वो थी जब जेफ हार्डी को WWE छोड़नी पड़ गई आफ्टर लूजिंग टू CM Punk ऑन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। तो इन दोनों के बीच की जो फ्यूड थी 2009 में हमें देखने को मिली थी जिसको रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से फ्यूड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, और इनके बीच का जो फाइनल मैच था वो स्मैकडाउन पे एक स्टील केज मैच था जिसको WWE ने अपनी बेस्ट स्टील केज मैचेस ऑफ ऑल टाइम की DVD में भी मेंशन करा था गाइस। और इस मैच में स्टिपुलेशन थी कि जो भी इसको हारेगा उसको WWE छोड़कर जानी पड़ेगी। अब हमको ये पता नहीं था कि कौन इसको हारने वाला है गाइस, और CM Punk ने यहां पे शॉकिंगली हरा दिया था जेफ हार्डी को, और उस मोमेंट के अंदर कोई भी ये बात को यकीन नहीं कर पा रहा था कि जेफ हार्डी अब सच में WWE छोड़कर चले जाएंगे। अभी भी मुझे याद है मैं उस समय जब देखता था स्मैकडाउन तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि जेफ हार्डी मेरे फेवरेट थे और इस मैच
मैच को हारने के बाद जब सीएम पंक वहां से चले जाते हैं और केज को ऊपर लिफ्ट कर दिया जाता है, तो जेफ हार्डी एक काफी इमोशनल स्पीच भी देते हैं जहां पे वो कहते हैं कि अब उनका टाइम आ चुका है और उनको WWE छोड़कर जानी है। तो डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट थी गाइस। नंबर 6 की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है द डेथ ऑफ ओवन हार्ट एट WWE ओवर द एज 1999। ये है May 23rd 1999 के बाद गाइस, जो कि WWE की हिस्ट्री में वन ऑफ द डार्केस्ट मोमेंट मानी जाती है। अब यहां पे होने क्या वाला था कि ओवन हार्ट अपनी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, ग्रैंड एंट्रेंस के लिए, जहां से वो एक रोप से बिल्कुल लटकते हुए नीचे उनको आना था। और इस समय पे जो है गाइस, एक्चुअली टीवी पर लोगों को कोई प्रोमो देखने को मिल रहा था और अरीना में पूरा अंधेरा करा गया था, वही प्रोमो अरीना में भी प्ले हो रहा था। तो इस एंट्रेंस के लिए जब वो नीचे आना स्टार्ट करते हैं गाइस, तो जो उनकी रोप से उनको रिलीज करना था और ऊपर से कूदना था एकदम से रिंग के अंदर, वो अनइंटेंशनली उन्होंने पहले ही रिलीज कर दिया और 78 फीट की हाइट से जो है वो सीधा आके टॉप रोप के ऊपर गिर गए। अब हमको ये टीवी पर चीज नहीं दिखी थी और इतना क्लैरिटी से फैंस को भी समझ नहीं आया था क्या हुआ है, लेकिन जिम रॉस ने गाइस ओवर द एज पेपर व्यू में उसी समय लाइव ऑन द एयर ये बात हमें बताई कि ट्रॉमेटिक इंजरीज की वजह से जो है वो ओवन हार्ट पास आउट हो चुके हैं। और उस समय पे अनबिलीवेबल था WWE के फैंस के लिए और पूरी दुनिया के लिए कि WWE ने इस चीज के होते हुए भी जो है वो शो को कंटिन्यू करा था और अपना पेपर व्यू कंप्लीट करा था। लेकिन उसके बाद जो हमें मंडे नाइट रॉ देखने को मिली गाइस, उसका नाम था रॉ इज ओएन, जो कि पूरे तरीके से ओएन हार्ट के लिए एक ट्रिब्यूट था गाइस, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडीज है इन WWE हिस्ट्री। नंबर 5 की हम बात करते हैं गाइस, तो ये थी एज की शॉकिंग रिटायरमेंट, जो कि अभी भी मैं अगर वीडियो वापस जाकर देखता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा रोना आता है। बात करते हैं April 11, 2011 की, जब नॉर्मली एज आए मंडे नाइट रॉ पे अपना प्रोमो कट करने के लिए जैसे कि वो बाकी प्रोमोस कट करते हैं, और उन्होंने एकदम से आके बोला कि सर्वाइकल स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से उनको होना पड़ेगा रिटायर, उनकी नेक में एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया कि वो आज से कभी नहीं लड़ पाएंगे, और अगर उन्होंने लड़ना कंटिन्यू करा तो कुछ महीनों बाद वो व्हील चेयर के अंदर होंगे और शायद उनका चलना भी मुश्किल हो जाएगा। और इस चीज की वजह से गाइज एज को अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करना पड़ा। लेकिन हम जानते हैं मिरेकल ऑफ अ स्टोरी फाइनली जो कंप्लीट हो चुकी है, 9 साल बाद आज हम एज को फिर से WWE रिंग में देख रहे हैं, जो कि मेरे लिए पर्सनली एक बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है, क्योंकि एज भी उस समय पे मेरे फेवरेट थे और उनको वापस एकदम रेसलिंग में देखना जो है मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस समय पे ये अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट थी, क्राउड रो रहा था और लोग जो है घर पे बैठ के वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इमोशनल थे। नंबर 4 की हम बात करते हैं गाइस, तो ये थी द मंडे नाइट रॉ टू गिव द ट्रिब्यूट टू एडी गरेरो आफ्टर हिज डेथ। अब ये है बात November 13, 2005 की, जब एडी गरेरो को उनके नेफ्यू चावो गरेरो ने डेड पाया, उनके होटल रूम में उन्होंने देखा कि एडी गरेरो मर चुके हैं। और उस समय पे गाइस सिर्फ 38 इयर्स ओल्ड के थे, एडी गरेरो अपने करियर के प्राइम में थे और सब लोग जानते थे कि उनको जो है आगे WWE बहुत ज्यादा पुश करने वाली है, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट हार्ट फेलियर की वजह से एडी गरेरो की डेथ हो गई थी। और इसके बाद जो हमें मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखने को मिला वो वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल एपिसोड्स ऑफ रॉ है गाइस हिस्ट्री में WWE के, जहां पे एडी गरेरो को ट्रिब्यूट दिया गया था। और मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बात बोल चुका हूं कि एडी गरेरो वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन थे, एक बहुत अच्छे इंसान थे जिनको सारे लोग बैकस्टेज पसंद करते थे, और इस शॉकिंग इमोशनल मोमेंट ने बहुत लोगों की लाइफ बदल दी थी। विकी गरेरो, रे मिस्टीरियो, क्रिस बेनोआ स्पेशली, सारे लोग जो थे वो बिल्कुल शॉक में चले गए थे। नंबर 3 की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है डैनियल ब्रायन की इमोशनल रिटायरमेंट स्पीच, जिसको लिटरली जब मैंने लाइव ऑन टीवी देखा था तो मैं खुद रोया था। February 8, 2016 डैनियल ब्रायन ने ट्वीट करी कि अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से जो है वो अब आगे नहीं लड़ पाएंगे और अपनी रिपीटेड नेक कंकशंस की वजह से उनको रिंग से रिटायर होना पड़ेगा। और ये इतना इमोशनल इसलिए भी था गाइस, क्योंकि डैनियल ब्रायन एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनको रेसलिंग किसी भी और चीज से ज्यादा पसंद है, और जब किसी बंदे को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद हो वो उसको एकदम से छोड़नी पड़ जाए तो वो ऑटोमेटिकली एक बहुत इमोशनल मोमेंट बन जाती है। तो विंस मैकमैन ने यहां पे डैनियल ब्रायन को पूरा टाइम दिया था कि जितना वो टाइम चाहते हैं वो ले ले रॉ की स्टार्ट में, और उनको अपना प्रोमो कट करना था रिटायरमेंट का, और वो अपने आप में एक बहुत इमोशनल प्रोमो था। और यहां पे पूरा सपोर्ट मिला डैनियल ब्रायन को, उनको मोटिवेशन मिली क्राउड की तरफ से और अपने फैंस की तरफ से, जिसकी वजह से वो वापस आ पाए अब रिंग में और आज भी हमें WWE में देखने को मिलते हैं। नंबर 2 की हम बात करें गाइस, तो यहां पे आता है स्मैकडाउन का शो, जो कि एयर हुआ था आफ्टर द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इंसिडेंट, यानी कि 9/11। अब September 11, 2001 हम जानते हैं ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में गाइस, और ये उस समय पे यूनाइटेड स्टेट्स की डार्केस्ट मोमेंट थी। और हम जानते हैं कि उस समय 2 दिन बाद ही स्मैकडाउन होने वाली थी और विंस मैकमैन ने डिसाइड करा कि हमको शो अपना करना पड़ेगा, जबकि ये माना जा रहा था कि स्मैकडाउन एक टेररिस्ट के लिए इजी अटैक करने की जगह बन सकती है। लेकिन तब भी WWE ने बोला कि इस सिचुएशन में अगर हम
शो करते हैं तो ये पूरी कंट्री के लिए एक साइन होगा कि हम किसी से डरते नहीं है और हम इस सिचुएशन से जीत के दिखाएंगे। और लिटरली गाइस सारे सुपरस्टार्स इस शो के अंदर रो रहे थे, फैंस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सिर्फ WWE के लिए नहीं एक पूरी कंट्री के लिए ट्रेजेडी थी। और इस वजह से स्मैकडाउन ने लोगों को कुछ हद तक मोटिवेट करा और उनको एक आइडिया दिया, एक साइन दिया कि जबकि हमारी कंट्री आज तक की सबसे वर्स्ट सिचुएशन में है, हम इससे बाहर निकल सकते हैं और इसलिए स्मैकडाउन इतनी इंपॉर्टेंट और यूनिक है पूरी हिस्ट्री में। और गाइस फाइनली जो नंबर वन पे मोमेंट आती है वो है जब रोमन रेंस ने अनाउंस करा था कि उनको ल्यूकीमिया हो चुका है। अब हम बिग डॉग के कैरेक्टर को जो है टीवी पे हेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, लेकिन रोमन रेंस इन द रियल लाइफ पर्सन यानी कि जो को कोई भी हेट नहीं करता है। और ये बात थी October 22, 2018 की जब रोमन रेंस ने मंडे नाइट रॉ को स्टार्ट करा और एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग अनाउंसमेंट उन्होंने सबको बताया कि 11 साल से उनकी बॉडी में ल्यूकीमिया है और अब वो वापस आ चुका है जिसकी वजह से उनको यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करना पड़ेगा। और ये चीज और भी ज्यादा इमोशनल हो गई थी जब सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस यानी कि शील्ड के बाकी दो मेंबर्स आते हैं और क्लियरली हमें देखने को मिल रहा था कि दोनों रो रहे हैं गाइस। और अरीना में जो फैंस बैठे थे घर पे, जो हम लोग देख रहे थे, सबके आंसू निकल रहे थे क्योंकि किसी ने भी ये बात एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग इसीलिए मुझे स्टोरी लगती है क्योंकि मैंने पर्सनली इसको पूरा स्टार्टिंग से एंड तक विटनेस किया है कि किस तरीके से रोमन रेंस ने इस चीज को हराया है और अब वो वापस आ चुके हैं WWE में और इसी वजह से मोमेंट जो है मेरी नंबर वन पे है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है डेफिनेटली आप फटाफट से इसको लाइक करके हमारा गोल पूरा करें और अपनी मोमेंट मुझे कमेंट में बताना ना भूलें और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।